उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिति के समापन समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्री राम नाईक जी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री एवं वर्तमान में रक्षा मंत्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, मंच पर आसीन अन्य गणमान्य अतिथियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, निवेशकगण, देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम को इस समिट के सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के मामलों पर पैनी नजर रखने वाले, चाहे वो समाज एवं देश के किसी भी क्षेत्र के हों, इस समिति के आयोजन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए थे। अतः मैं मुख्यमंत्री जी और आपकी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि किसी समिट का आयोजन करना एक बात होता है, लेकिन समिट का सफल आयोजन करना बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने देश की अर्थव्यवस्था को जो शक्ति प्रदान की है, उससे सभी राज्यों समेत उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत आधार और निवेश के लिए अच्छा इकोसिस्टम मिला है। अतः इस अवसर पर मैं केंद्रीय वित्त मंत्री जी को भी बधाई देता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपजाऊ जमीन, प्राकृतिक संपदा, विशेष करके जल संसाधन देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति और विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण देश के अन्य क्षेत्रों से अच्छी कनेक्टिविटी आदि के कारण उत्तर प्रदेश अपार अवसरों और संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ के युवा पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। यह राज्य हमारे देश की संस्कृति और राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। देश के 9 प्रधानमंत्री यहीं से चुनकर के संसद में गए और जिन्होंने लगातार वर्षों तक देश को नेतृत्व देते रहे। संयोग से मेरा जन्म और व्यक्तित्व निर्माण भी उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर ही हुआ है। इस चेतना और प्रतिभा का आर्थिक विकास के लिए प्रभावी उपयोग करने का लक्ष्य हम सबके सामने है। इस राज्य की आर्थिक क्षमताओं का समुचित उपयोग करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के विकास से ही भारत के विकास को पूर्णता मिलेगी। यह समिति उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द रिसेंट पीरियड हैज बीन वन ऑफ इनॉर्मस इकोनॉमिक चेंजेस फॉर इंडिया, ऑफ सोरिंग एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ द GST हैज बीन अ माइलस्टोन। इट हैज ब्रोकन डाउन बैरियर्स between states. It has provided a boost to the creation of a common market and a more formal economy. Filing of taxes under GST has been made progressively smoother. The switch from cash to digital payments has been notable and has created new opportunities. The simplification of procedures for taxpayers, business persons and investors has led to India making significant advances in ease of doing business.
The opening of more and more sectors to greater private and global investment has also drawn appreciation. As a consequence of this, there has been a sharp rise in FDI in the past 3 years, from US$36 billion in 2013-14 to US$60 billion in 2016-17. Our reform process seeks to make such economic changes meaningful to all segments of our society and to all regions of our country. Programs such as Mudra, Startup India, and Stand Up India are promoting grassroots enterprise and small businesses and helping integrate these with the larger economy. In parallel, the Union Government has transferred a larger share of tax revenues as well as economic and policy responsibilities to the states. Increasingly, the economic future of India is being written by states and the state governments, such as that of Uttar Pradesh. This is a state teeming with talented young people. It comprises one of the largest workforces as well as consumer markets, not only in India, but anywhere in the world. It is home to some of India's finest institutions of higher education, such as IIT Kanpur, the IIM, right here in Lucknow, Banaras Hindu University, Allahabad University, and so many others. This talent pool and this energy gives Uttar Pradesh the base to become an economic powerhouse. They make it an irresistible destination for investigations, for investments. देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र सरकार की पहल पर वित्त आयोग द्वारा राज्यों को मिलने वाली धनराशि बढ़ा दी गई है और साथ ही राज्यों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस बदलाव में केंद्र और राज्य सरकारों ने परस्पर सहयोग किया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की इन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप अब देश और विदेश के निवेशक अधिक उत्साह के साथ राज्य में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। जैसा कि बताया गया है, एशियाई देशों में जापान और थाईलैंड, यूरोप से नीदरलैंड, फिनलैंड, चेक गणराज्य तथा स्लोवाकिया और अफ्रीका में मॉरिशस ने इस समिट के लिए उत्तर प्रदेश के साथ भागीदारी की है तथा निवेश के लिए विशेष उत्साह दिखाया है। मॉरिशस के रक्षा मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें धन्यवाद देने के साथ साथ मैं अपने सभी देशवासियों की ओर से ये उनको आश्वासन भी देता हूँ कि मॉरिशस का उत्तर प्रदेश के साथ भागीदारी का निर्णय उनके देश के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। भारत का और उत्तर प्रदेश का मॉरिशस के साथ बहुत ही खास रिश्ता है। मुझे खुशी है कि मैं मॉरिशस की आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ, जो अगले महीने 12 मार्च को संपन्न होने जा रही है, उसमें मैं मॉरिशस में रहूंगा और अपने उत्तर प्रदेश के जो वहां पर ओरिजिनल उत्तर प्रदेश, जिनको कि गिरमिटिया के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उन सबसे भी मुलाकात करने का मौका मिलेगा। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि समिट से जुड़े रोड शोज के दौरान ही पूंजी निवेश के लिए बहुत उत्साहजनक आश्वासन मिल रहे थे। उन रोड शोज के दौरान और अलग से भी देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने की योजनाएं साझा की हैं। मुझे बताया गया है कि अब तक निवेश की संभावित राशि लगभग 4,28,000 करोड़ तक पहुंच गई है। निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में पूंजी लगाने के लिए जो उत्साह दिखाया है, उसके काफ़ी स्पष्ट कारण हैं। देश की सबसे बड़ी श्रम शक्ति और उपभोक्ताओं की संख्या वाले इस प्रदेश में देश की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बनने की पूरी क्षमता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा औद्योगिक सुरक्षा के बारे में राज्य सरकार ने दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। निवेश मित्र नाम के सिंगल विंडो पोर्टल द्वारा उद्यम को शुरू करना आसान हो गया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करता हूँ।
केंद्र सरकार के सुझावों के अनुरूप बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017 को कार्य रूप देने के लिए भी राज्य सरकार ने पहल की है। औद्योगिक निवेश और रोजगार में बढ़ोतरी के लिए नई नीति लागू की गई है। इन सभी बदलावों से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। शांति और सुरक्षा की व्यवस्था, तार्किक टैक्स व्यवस्था, उद्यम चलाने में सहायक अनुकूल माहौल, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली पानी यातायात की सुविधा आदि सभी क्षेत्रों में केंद्र और उत्तर प्रदेश की सक्रियता से भी निवेशकों में उत्साह बढ़ रहा है। संयोग से उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, जिसे हम नोएडा कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित होने के कारण भी राज्य की व्यावसायिक गतिविधियों में सुविधा होती है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से भी लगी हुई है। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर दोनों ही इस राज्य से होकर जाते हैं। गंगा नदी की धारा का प्रभावी उपयोग करने के लिए नमामि गंगे योजना की सोच के अनुरूप पश्चिम बंगाल में हल्दिया से इलाहाबाद तक नेशनल वाटरवे 1 पर काम चल रहा है। इससे देश के पूर्वी हिस्से के साथ परिवहन संपर्क में किफायत और आसानी होगी। हवाई परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश ने एक महत्वाकांक्षी सिविल एविएशन प्रमोशन पॉलिसी लागू की है। पूरे देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के 5 नए जिलों में हवाई यात्रा की सुविधा शुरू की जा रही है, लेकिन योजना के दूसरे चरण में 42 नए जिले हवाई यात्रा की सुविधा से जुड़ जाएंगे। सड़कों, रेल सुविधाओं, मेट्रो सेवाओं आदि पर शीघ्रता से काम करने की जरूरत है। मुझे बताया गया है कि राज्य के 3 शहरों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है और अन्य कई शहरों में मेट्रो परियोजनाओं से संबंधित काम शुरू हो गया है। बिजली की भरोसेमंद आपूर्ति के लिए भी राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए गए। 3 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स का निर्माण करके उन्हें ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जाना है। 2 स्थानों पर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन की भी स्थापना की जा रही है। अनेक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश किसान भाई बहनों का राज्य है। यहाँ के किसानों में आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए काफ़ी उत्साह है। पूरे एग्री वैल्यू चेन को इस तरह विकसित करना है जिसमें छोटा किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच सके, बड़ा निवेशक कोल्ड स्टोरेज आदि विकसित कर सके, मार्केटिंग की अच्छी सुविधा हो। अनेक कृषि उत्पादों की देश में सर्वाधिक उपज उत्तर प्रदेश में होती है। कृषि उत्पादों पर आधारित फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन और डेयरी जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश के अपार अवसर हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कई निवेशकों ने इन क्षेत्रों में उत्साह दिखाया है। उत्तर प्रदेश कई वस्तुओं के निर्यात में अग्रणी रहता है। हस्तशिल्प, कालीन, रेडीमेड कपड़े, चमड़े के सामान में लगे उद्योगों से विदेशी मुद्रा और रोजगार दोनों ही दृष्टियों से लाभ होता है। बनारसी साड़ी तथा कपड़े, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद के ब्रासवेयर और अलीगढ़ के ताले जैसे कई उदाहरण हैं। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री महोदय की एक जनपद एक उत्पाद योजना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। हमें इटली और फ्रांस जैसे देशों से ये सीखना है कि कैसे हाथ से बनी हुई चीज़ों को आधुनिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए विदेशी मुद्रा कमाने, रोजगार बढ़ाने और देश की छवि को निखारने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। हमारे शिल्पकारों का हुनर बहुत ही प्रभावशाली है, इसका प्रभावी इस्तेमाल करना है। इससे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में शिल्पकारों की आर्थिक प्रगति होगी और हर जनपद अपनी विशिष्ट पहचान बना सकेगा। मानव संसाधन में निवेश करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाल के बजट में सबसे बड़ा प्रावधान शिक्षा के लिए किया है। इसका उपयोग बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए किया जाएगा। प्रदेश की युवा प्रतिभा के विकास में किए जा रहे इस निवेश के दूरगामी
लाभ होंगे। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए मैं राज्य सरकार की विशेष सराहना करता हूं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नौ युवकों को कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। आने वाले दो एक वर्षों में बताया गया है कि लगभग 20 लाख नौजवानों को रोजगार एवं स्वरोजगार के योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षित युवक और युवतियां अपनी प्रतिभा का उपयोग पूरे देश में कहीं भी कर सकते हैं, पर यदि इन्हें अपने ही राज्य में आकर्षक अवसर मिलते हैं तो वह यहीं रहकर अपनी क्षमता का उपयोग कर सकेंगे। पर्यटन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में विशाल संभावनाएं हैं। यह राज्य राम और कृष्ण की जन्मस्थली और लीला स्थली रहा है। यह तुलसी, कबीर और जायसी जैसे भक्त कवियों का प्रदेश है। इस राज्य में कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म के विकास के लिए अनेकों आकर्षक स्थल हैं। बनारस की गंगा आरती से लेकर लखनऊ के इमामबाड़े तक, प्रयाग के कुंभ से लेकर आगरा के ताजमहल तक अनेकों पर्यटन के आकर्षण मौजूद हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारनाथ से लेकर गोरखपुर नेपाल तक बुद्धिस्ट सर्किट के स्थान हैं। पर्यटन उद्योग में निवेश करने से उद्योग के बहुत अधिक अवसर पैदा होते हैं। मुझे खुशी है कि उस उद्योग पर जोर दिया जा रहा है जिसके परिणाम निकट भविष्य में देखने मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं एक बार फिर इस समिट के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और सभी निवेशकों को बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि जैसा मुझे बताया गया है कि प्रतिवर्ष ऐसी समिट का आयोजन किया जाएगा। निरंतर बढ़ते हुए पूंजी निवेश द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों, खासकर किसानों और युवाओं को विकास के अवसर मिलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के विकास से पूरे देश के विकास को महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। राज्य में प्रोग्रेसिव गवर्नेंस प्रदान करने तथा व्यापार और उद्योग के लिए सुविधाजनक माहौल पैदा करने के लिए फलस्वरूप निवेशकों ने काफ़ी उत्साह दिखाया है, लेकिन राज्य को आगे ले जाने का काम केवल सरकार का नहीं है। इस राज्य के सभी निवासी उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदार हैं। उदाहरण के लिए, चाहे पर्यटक हों या निवेशक, स्वच्छ वातावरण, साफ सड़कें, निर्मल नदियाँ, अच्छी आबोहवा सभी चाहते हैं। अच्छा व्यवहार भी सबको पसंद आता है। हम लखनऊ में हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी और तहजीब पूरे उत्तर प्रदेश की पहचान है, और दूसरे क्षेत्रों के लोग इस राज्य के सभी निवासियों से इसी तहजीब की उम्मीद रखते हैं। इस राज्य को हम सबको ऐसा बनाना है कि जो एक बार यहाँ किसी काम से आए वो यहीं रहना चाहे, यहीं का हो जाए और यहीं बस जाए। वह इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी करे। पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।